हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल स्ट्रीमिंग फिजिक्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट किया था और उस पर कुछ एक प्रॉब्लम्स करे थे सिंगल बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्स। अब अगर एक से ज्यादा बॉडी है तो उन केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज हम यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं आज की क्लास में। और फिर टेंशन, जैसे दो बॉडी है किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। दो से ज्यादा है, पांच है, छह है बॉडी, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ब्लॉक एंड पुली प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन और टेंशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो वो शॉर्टकट मेथड क्या है, उसको पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ से ही उस फार्मूले को डिराइव करेंगे और फिर आगे प्रॉब्लम्स करेंगे। सो जो क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, वो हम ले रहे हैं शॉर्टकट मेथड के लिए। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। दो ब्लॉक है मास M1 और M2 के। M1 पे फोर्स F1 लग रहा है और M2 पे फोर्स F2 लग रहा है। ये एक स्ट्रिंग है, हम यहां पे ये मान रहे हैं F2 इज ग्रेटर देन F1। तो अब अगर हम FDD दोनों ब्लॉक का अलग अलग बनाए, इस पे फोर्सेस क्या लग रहे होंगे भाई, M1G डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन N1 अपवर्ड्स, इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, M2G डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन L2 अपवर्ड्स। यहां पे टेंशन T M1 पे इधर लग रहा होगा और M2 पे टेंशन T इधर लग रहा होगा। एक्सेलरेशन चूंकि F2 ग्रेटर देन F1 ये गिवन है, तो दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, यानी एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन A। बेसिकली हमको करना क्या बेटा, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, इसमें दो क्वेश्चंस करने हैं। पहला एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा टेंशन निकालना है। सेकेंड प्रॉब्लम, सो एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए हमने FBD बना लिया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मार्क कर लिया। तीसरा स्टेप न्यूटन सेकेंड लॉ का, रिजॉल्व द फोर्सेस, कोई फोर्स रिजॉल्व नहीं करना है। अब हम F=MA लगाएंगे, पहले इस ब्लॉक पे लगाते हैं F=MA। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का जो फोर्स होगा पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला फोर्स निगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M1A। फिर इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स F2 पॉजिटिव, टेंशन निगेटिव, इज इक्वल टू M2A। इस दोनों इक्वेशन को एड कर दे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। ये आ गया, यानी हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, और इसी एक्सेलरेशन को निकाल के हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा। तो
एक्सेलरेशन क्या हो गया उसको हम यहां पे लिख देते हैं, और ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला रहेगा। आगे के कुछ एक प्रॉब्लम्स हम न्यूटन सेकेंड लॉ से सॉल्व करेंगे बेटा, फिर इस फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, आपका टाइम बचेगा इसको सॉल्व करने से। सो ए इज इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब टेंशन क्या होगा, तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो यहां पे पुट करके देखते हैं क्या आता है। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे बेटा, तो टी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एम वन ए, ए का वैल्यू क्या है एफ टू माइनस एफ वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो टी का जो वैल्यू आएगा बेटा वो होगा एम वन एफ टू प्लस एम टू एफ वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हमारा टेंशन का वैल्यू होगा। ठीक है भाई, तो ये फार्मूले होगा बेटा, इन दो फार्मूले को आपको याद रखना है और इससे हम किसी प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बस आपको ये याद रखना कि F1 और F2 क्या है, ये हम फिर से फिगर में दिखा रहे हैं भाई। ये देखो M1 है और ये M2, यहां पे F1 और यहां पे F2। अब F1 F2 है क्या, ये चीज ध्यान से समझना है। F1 क्या बेटा, ब्लॉक वन पे फोर्स टेंशन के अगेंस्ट, स्ट्रिंग के अगेंस्ट, ये स्ट्रिंग है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वही F1 लेंगे, और F2 क्या लेंगे, M2 ब्लॉक पे ये फोर्स लग रहा है और टेंशन, इधर स्ट्रिंग में टेंशन होगा, टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम F2 लेंगे। अगर यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, F1 को जीरो ले लेंगे। अगर यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में ना लग के अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो F1 को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना। F1 को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यही फोर्स F1 अगर इस तरीके से इंक्लाइंड लग रहा है एंगल थीटा वन पे, तो स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एफ वन कॉस थीटा वन। तो यहां एफ वन के जगह लिखेंगे क्या, एफ वन कॉस थीटा वन, स्ट्रिंग के अगेंस्ट लग रहा है ये चीज। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, एफ वन और एफ टू क्या बेटा, स्ट्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तभी वहां पे हम F1 और F2 को पॉजिटिव लेंगे। अगर यही स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगेगा तो ये निगेटिव लेंगे, अगर ये इधर लगेगा यानी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में तो इसको भी निगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं और इसका एप्लीकेशन बताते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमारे फॉर्मूले होगा जिसको हम यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन अब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। देखो दो ब्लॉक है, मास 7 केजी और यहां पे 3 केजी,
एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और यहां पे फोर्स लग रहा है इस तरीके से इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन या 60 न्यूटन लगा लेते हैं, 60 न्यूटन 60 डिग्री पे। फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये दो चीजें हमको करनी होगी। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर हम करें तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये 30 न्यूटन नीचे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन एन टू ऊपर, टेंशन टी इधर, इसके लिए एफबीडी बना तो 70 न्यूटन डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन एन वन अपवर्ड्स, टेंशन टी इस डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मार्क करें तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हम ले रहे बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा यानी टुवर्ड्स राइट होगा। तो एक्सेलरेशन हम ए मान लेते हैं, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा। नेक्स्ट स्टेप रिजॉल्व द फोर्सेस, तो केवल इस फोर्स को रिजॉल्व करना होगा, इधर कंपोनेंट आ गया 30 न्यूटन और इधर कंपोनेंट आ गया 30 साइन 60 रूट 3 बाई 2 तो 30 रूट 3 न्यूटन। अब इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो टी पॉजिटिव माइनस 30 इज इक्वल टू 7a, दोनों को ऐड कर दे तो 70 इज इक्वल टू 10a, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को यहां पे पुट कर दे या यहां पे कहीं पे भी पुट कर दे, टेंशन आ जाएगा तो यहीं पे पुट कर देते हैं, टी माइनस 30 इज इक्वल टू 7 × 7 = 49। सो टी इज इक्वल टू 79 न्यूटन, ये आ गया। तो ये एक्सेलरेशन और ये टेंशन आ गया। आप डिटेल्स देखिए कितना इसमें मेहनत करना पड़ा। अब हमको इस फार्मूले से इसको करते बेटा, तो इस फार्मूले से जब हम इसको करेंगे तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, हमने क्या कहा था जो फोर्स बड़ा होगा उसको एफ टू लेंगे, डेरिवेशन यही दिखाया था ना, एफ टू ग्रेटर देन एफ वन, और फोर्स एफ वन एफ टू क्या होना चाहिए बेटा, टेंशन के अगेंस्ट, टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और टेंशन के अलोंग। तो ये टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन के अलोंग है, ये 30 न्यूटन एफ वन हमारा 30 न्यूटन होगा, इसको रिजॉल्व करना होगा। अभी हमने बताया तो बेटा कौन सा कंपोनेंट लेंगे, तो ये 30 न्यूटन ये हो गया एफ वन, तो डायरेक्ट पुट करते एफ टू क्या भाई 100 और एफ वन क्या है 30 न्यूटन अपॉन एम वन प्लस एम टू, सो 7 + 3 इट इज 7। देखो यही आंसर आ गया। अब टेंशन क्या होगा भाई टी इज इक्वल टू, तो एम वन 7, एफ टू, एफ टू क्या 100 प्लस एम टू 3
F130 upon M1 plus M2. तो ये हो गया 70, एक जीरो कैंसिल, ये 10 बनेगा, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 70 प्लस ये हो गया 9, इट इज 79 न्यूटन. तो वही आंसर हमको मिला यहां पे. ये जो मेथड हम बता रहे बेटा, ये आप 11th के एग्जाम में नहीं यूज कर सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे केवल आपको आंसर देना है. ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं, ये हमने अपना ट्रिक बनाया कैसे इन टाइप के प्रॉब्लम्स को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. और ये तो बड़ा सिंपल केस है बेटा, आगे देखना आगे कहां कहां इसका एप्लीकेशन होता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन करते भाई, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, यहां पे तो हमने केवल दो ब्लॉक बनाया था. अब मान लो दो से अधिक ब्लॉक हो तो उस केस में बहुत दिक्कत है. अगर दो से अधिक ब्लॉक है तो जितने ब्लॉक होंगे उतने टाइम्स हमको न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाना होगा. यानी सपोज कर लो कोई क्वेश्चन हम ऐसे दे रहे बेटा, चलो चार ब्लॉक का या पांच ब्लॉक हम कर लेते हैं. अब कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, ये पांच ब्लॉक कनेक्टेड है, 150 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है. अब देखो हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का और इन स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगा. ये जो स्ट्रिंग्स है इनमें टेंशन क्या होगा, यानी चार अलग अलग टेंशन होगी बेटा और एक एक्सेलरेशन, पांच प्रॉब्लम्स यहां पे इन्वॉल्व है, पांच क्वेश्चंस यहां पे हमको सॉल्व करना है. न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच FBD बनाना होगा, फिर पांच इक्वेशन लिखना होगा, फिर उसको सॉल्व करोगे तब जाके आंसर मिलेगा. बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो सिंगल स्टेप में ये सारा चीज सॉल्व किया जा सकता है. एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से आप सॉल्व करना भाई, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा. पांच FBD बनाना, पांच इक्वेशन लिखना, उनको सॉल्व करना, हम इससे सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, A=2. तो F2 अगर हम देखें तो कितना भाई, 150 और F1 क्या है इधर, 0. तो 150 माइनस 0 अपॉन, अब टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 सारा ले ले तो ये हो गया 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15. सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. अब मान लो हमको यहां पे टेंशन निकालना है, यहां पे टेंशन निकालना, तो इसका टेंशन निकालना बड़ा आसान बेटा. इसका टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल इसका 1 kg का FBD बना दें तो टेंशन T इधर लग रहा है, इसको हम P1 मान लें. अच्छा मास दिया हुआ 1 kg और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, वो हमने निकाला 10.
बाकी mg इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, वो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। तो इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे, T1 इज इक्वल टू एम ए, तो T1 इज इक्वल टू एम कितना, 1 kg, a कितना है 10, सो इट इज 10 न्यूटन। तो T1 यहां पे जो टेंशन होगा बेटा T1 वो क्या होगा 1 न्यूटन, यहां पे हम लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 10 न्यूटन, T1 इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया। अब मान लो हमको यहां पे टेंशन निकालना है 2 kg के वाले स्ट्रिंग यहां पे, तो इसको हम T2 मान ले और इसको T2 मान ले, ये T1 हमको पता चल गया, तो हम क्या करेंगे इस 2 kg पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, एक्सेलरेशन तो 10 ही होगा, तो इसको पॉजिटिव लेंगे माइनस T1 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 20, सो T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, सो T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अच्छा इस T2 को एक और तरीके से निकाल सकते थे बेटा, क्योंकि हमने ये जो तरीका बताया तो उसमें पहले T1 निकलेगा फिर T2 निकलेगा, हम डायरेक्ट T2 को निकाल सकते हैं। इसको एक सिस्टम मान ले, इसको क्या मान ले भाई, सिस्टम मान ले। हमने क्या बताया था, सिस्टम मानने का कंडीशन बेटा एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम है ही है, 10 है, तो इसको एक सिस्टम हमने मान लिया, तो इस सिस्टम का मास कितना भाई 3 kg, एक्सेलरेशन क्या है 10। अब इस सिस्टम पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे, तो एक T2 लग रहा होगा, दूसरा mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो वो तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, तो उसको कंसीडर करेंगे नहीं, तो T2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए लगा रहे, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया T2 इज इक्वल टू एम इंटू ए, सो इट इज 30 न्यूटन, 30 न्यूटन आ गया। ऐसे यहां पे एक्सेलरेशन निकालना, तो इस तीनों को हम एक सिस्टम मान ले, और यहां पे T3 लग रहा, तो अब इसको देखें तो ये सिस्टम कितने केजी का हो गया, 6 kg का, 6 kg का हो गया ना भाई ये सिस्टम, और एक्सेलरेशन कितना है 10 इज इक्वल, ये हो गया एक्सेलरेशन 10 m/s स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, mg परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है डेथ T3, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स T3 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव लेंगे इज इक्वल टू एम इंटू ए 60 न्यूटन, तो T3 हमारा 60 न्यूटन आ गया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा हम इस फार्मूले का, ये जो एक्सेलरेशन निकालना बेटा हमने इसी फार्मूले से निकाला, अदरवाइज आपको न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। हम पूरे को क्या मान ले, न्यूटन सेकेंड लॉ से यही चीज हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते, देखो सबका तो एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इस पूरे को एक सिस्टम हमने मान लिया, और पूरे को सिस्टम मान लिया तो मास कितना 15 kg, वेट 150 नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स कितना लग रहा 150, और कोई फोर्स है ही नहीं है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे 150 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से भी वो आ गया। तो कहने का मतलब क्या बेटा, जब कई एक ब्लॉक लगे हो तो आप हर एक ब्लॉक पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंदी होगा, आपको वैसे नहीं करना है, आप फिर जो प्रॉब्लम पूछा गया उसके अकॉर्डिंग करिए। जैसे
एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ना कि भाई हर जगह टेंशन पूछ देगा, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन का, किसी एक जगह पूछेगा वैसा आएगा, तब भी ये तरीका बहुत आसान है। अब मान लो इस प्रॉब्लम में हमसे केवल यहीं पे टेंशन पूछा जाता, अब केवल यहीं पे टेंशन पूछा जाता तो हम क्या करते, इसको एक सिस्टम मान लो। देखो ये पूरा हमने एक सिस्टम ले लिया, ये पूरे ब्लॉक, तो 1 2 ये हो गया 3 और 3 6 और 4 6 4 कितना हो गया बेटा 10 केजी। तो ये 10 केजी और इधर क्या कनेक्टेड है भाई 5 केजी और यहां कितना लग रहा 150 न्यूटन। डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, देखो टेंशन क्या देता है, तो T इज कल टू इसको यहां का टेंशन T4 हम मान लेते हैं, सो T4 इज इक्वल टू M1F2 1500 प्लस M2F1 0 हो गया, क्योंकि F1 यहां कोई है ही नहीं स्ट्रिंग के अगेंस्ट, अपॉन M1 प्लस M2 15, तो कितना आ गया बेटा ये 100 न्यूटन, ये T4 100 न्यूटन आ गया। अब आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ इस दोनों सिस्टम पे तभी यही आ गया, या फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, और एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो हम क्या करें केवल इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे, एक्सेलरेशन 10 है और ये हमको टेंशन निकालना है, इसी को T4 नाम दिया, तो नेट फोर्स क्या हो गया इस वाले ब्लॉक पे T4 इज इक्वल टू मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 10, तो इट इज 100 न्यूटन, ये हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर हम देखें बेटा, तो जो हमने ट्रिक बताया और न्यूटन सेकेंड लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टम प्रॉपरली चूज करना होगा, कई एक ब्लॉक है तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया होगा वैसे हम सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं एक या एक से अधिक ब्लॉक का। जो हमने ट्रिक बताया बेटा इसका मेन एप्लीकेशन यहां पे नहीं है, यहां पे तो आपको मजा ही नहीं आया होगा कि यार दोनों तरीके से आ जा रहा है। अब बूलियन ब्लॉक प्रॉब्लम पे आते हैं, वहां पे हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन फ्रिक्शन में आएगा, जहां एक के ऊपर एक ब्लॉक रखे हुए हैं और फिर पूछा जा रहा है ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है और फ्रिक्शनल फोर्स उसमें क्या लग रहा है। वो बड़े कठिन क्वेश्चंस होते हैं बेटा, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है ब्लॉक स्लाइड कर रहा हो, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे, हो सकता है स्लाइड ना कर रहा, लेकिन इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ एक क्वेश्चन हम लेते हैं ब्लॉक एंड पुली प्रॉब्लम का। ये ऐसे एक पुली है, यहां पे दो ब्लॉक हैंग कर रहे बेटा 4 केजी 6 केजी, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो ब्लॉक आप मासलेस मान के चलेंगे और परफेक्टली स्मूथ, ये पुली मासलेस और परफेक्टली स्मूथ, और ये पुली अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, हमको बताना है इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो ये एक ही स्ट्रिंग बेटा यहां से यहां तक गया हुआ है, तो सेम स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब पहले हम इसको न्यूटन सेकेंड लॉ से सॉल्व करते हैं, फिर हम अपना शॉर्टकट मेथड बताएंगे इससे कैसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले न्यूटन सेकेंड लॉ से इसको सॉल्व करते बेटा, जो एक लेंथी मेथड आपको लगेगा लेकिन वो जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बीडी बनाए यहां पे 40 न्यूटन, टेंशन टी ऊपर लगेगा, इस पे 60 न्यूटन नीचे और टेंशन टी ऊपर लगेगा,
इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होगा। भाई ये तो समझ में आ रहा होगा ना यार, ये भारी है और ये हल्का है, ये 6 kg, ये 4 kg, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन निकालना, टेंशन निकालना। अब हम क्या करें, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देते, फोर्स वगैरह कहीं कोई रिजॉल्व नहीं करना। इस पे अगर लगाए तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का जो फोर्स है उसको पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला निगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट जो है वो निगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन ऐड कर दिया बेटा, ये टेंशन कैंसिल आउट हो गया, ये देखो तो आ गया 20 न्यूटन इज इक्वल टू 10A, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, 2 m/s². ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को हम यहीं पे पुट कर देते हैं, तो टेंशन क्या आ गया, टी इज इक्वल टू, ये 4 × 8 और ये 40 उधर गया, तो 48 न्यूटन ये टेंशन आ गया। भाई चीजें अब बहुत सारे क्वेश्चंस करना है बेटा, तो थोड़ा हम तेज चल रहा है, चीजें नहीं समझ में आ रही, तो पिछला लेक्चर ध्यान से जरूर देखिए कैसे इन चीजों को अप्लाई करना, क्या करना, वहां पे हमने बड़े अच्छे से समझाया। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ये टेंशन आ गया। अब यहां से इस मेथड से देखते बेटा कैसे सॉल्व होगा। तो ए इज इक्वल टू फॉर्मूला का F2 - F1, और F2 किसके लेंगे, बड़े वाले फोर्स को, तो ये बड़ा वाला फोर्स है, ये छोटा वाला फोर्स है, और F2 और F1 क्या होना चाहिए, T के अगेंस्ट, तो ये देखो T के अगेंस्ट है और ये देखो T के अगेंस्ट है, तो ये 60 - 40 अपॉन M1 + M2 4 + 6 क्या आ गया भाई, एक्सेलरेशन 2 आ गया। तो जो चीज हम FBT बना रहे थे, ये कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, इतना सारा किया, वहां सिंगल स्टेप में आ गया। टेंशन देखते हैं, बड़ा वाला फोर्स F2 होगा, ये F1 होगा, यानी ये M1 होगा, तो M1 F2 देखो M1 F2 240 प्लस M2 F1 240 अपॉन M1 + M2 क्या आया भाई, 48 न्यूटन। देखो बेटा वही आंसर आ गए दोनों। चलो तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा तेज हम इसलिए चल रहे बेटा क्योंकि दो दो मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये मेथड हम इसलिए इसका एप्लीकेशन बता रहे क्योंकि ये शॉर्टकट है बेटा, और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम बता देंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, इसलिए हम इस मेथड को साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, परफेक्टली स्मूथ टेबल, यहां पे एक पुली लगा हुआ, यहां पे ब्लॉक है भाई, और ये ब्लॉक ले ले 8 kg, यहां पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा 2 kg। क्वेश्चंस वही है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से देखते हैं, पहले FBD बनाएंगे, यहां 20, यहां पे T, सेम स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, तो यहां भी टेंशन T ही होगा, यहां 80 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन यहां N,
ये हो गया FBD. अब मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये डाउनवर्ड जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ए ले ले, और ये टुवर्ड्स राइट जाएगा, एक्सेलरेशन ए. न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया भी, तो इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव 20 और टेंशन एक्सेलरेशन के अपोजिट है नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट कोई फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्सेस को लेते नहीं, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दोनों ऐड कर दिया बेटा तो ये कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 m/s² और इसी एक्सेलरेशन को यहां पे पुट कर दे तो टी इज इक्वल टू 16 N. तो हम ये पूरा एफबीडी बना, न्यूटन सेकेंड लॉ दो ब्लॉक पे लगाया, आंसर आ गया. वहां से देखते हैं ए इज इक्वल टू, तो F2 ये हो गया, F1 जीरो है क्योंकि इस टेंशन के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं, ये बड़ा फोर्स है, तो इसको F2 लेंगे 20 माइनस F1 जीरो अपॉन M1 प्लस M2 2 + 8, इट इज 2. वही आंसर आ गया भाई, एक्सेलरेशन टेंशन T इज इक्वल टू, ये F2 है बेटा तो ये M2 है, यानी ये M1 है, M1 F2 160 प्लस M2 F1 0 अपॉन M1 प्लस M2, ये कितना आ गया 16 N. वही आंसर आ गया बेटा. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6, इंक्लाइंड प्लेन ले लेते बेटा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये इंक्लाइंड प्लेन 30 degree. यहां पे ब्लॉक रखा है, यहां पे एक पुली है, यहां पे दूसरा ब्लॉक रखा, वही ले लेते मास 8 kg 2 kg. करना वही हमको, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो एफबीडी पहले बनाते हैं. एफबीडी बना तो ये कितना हो गया भाई 20 N, टेंशन टी इधर, नॉर्मल रिएक्शन एन टू नाम दे दे इसको, ये फोर्सेस होगा इस पे. फ्रिक्शन के बारे में नहीं कर रहा, यानी फ्रिक्शन एब्सेंट है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस. यहां पे फोर्सेस देखे तो ये 80 N, ये नॉर्मल रिएक्शन एन वन, ये टेंशन टी. अब एक्सेलरेशन को मार्क करें तो ये इधर जाएगा along the plane, acceleration a मान ले तो इसका acceleration a इधर हो जाएगा. अब न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाना है तो बेटा resolve the forces बीच में, इस पे पाता तो यहां पे कोई force resolve नहीं करना, यहां पे इस mg 20 N को resolve करना होगा, तो एक component इधर आएगा और एक component इधर आएगा. ये 30 है तो ये 30 degree होगा, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये कहे बेटा कि आंख बंद करके ये याद रखो, याद होना चाहिए, इधर mg cos theta, mg sin theta, तो mg sin theta ये 10 N हो गया और mg cos theta 10√3. अब न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाते हैं तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 10 माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट t इज इक्वल टू 2 है. यहां पे लगाया तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में t अपोजिट में कुछ कहीं कुछ है ही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इज इक्वल टू 8. दोनों इक्वेशन ऐड करके सॉल्व कर लिए, a इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 1 m/s².
अब यहाँ पे टेंशन टी को निकालना, तो ए को यहाँ पे पुट कर दे, टी इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ये हो गया। अब हम जो फॉर्मूला बताए उससे सॉल्व करके देखते हैं वही आंसर आता है कि नहीं, तो इसको सॉल्व कर देते, यही पे सॉल्व कर देते बेटा, ए इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था एफ टू क्या है, टेंशन के अगेंस्ट, तो यहां पे देखो टेंशन के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं, एफ पॉइंट जीरो, यहां पे टेंशन के अगेंस्ट क्या, ये टेंशन उसके अगेंस्ट 10 न्यूटन लग रहा भाई, उसके अगेंस्ट लगना चाहिए ना, तो ये 10 न्यूटन, तो 10 माइनस 0 अपॉन 8 प्लस 2, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आंसर आ गए। टेंशन देखें तो टेंशन के लिए फॉर्मूला टी इज इक्वल टू, बड़ा वाला फोर्स एफ टू है यानी ये एफ टू है, तो ये एम टू है यानी ये एम वन है, तो एम वन एफ टू 80 प्लस एम टू एफ वन 0 है अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो 2 प्लस 8, एम वन प्लस एम टू 8 प्लस 2, एम वन 8 है ना, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आया 8 10, कितना हो गया, हाँ 10 हो गया, तो ये 8 न्यूटन, वही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये सब जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे बेटा, ताकि ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम नहीं कराने जा रहे हैं, हमको मेन आपको ट्रिक सिखाना है कि कैसे प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो शॉर्टकट मेथड बताया बेटा कैसे डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई करेंगे वही हम आपको सिखा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यहां पे एक पुली है, यहां पे एक ब्लॉक बंधा है 10 केजी, यहां पे ब्लॉक है 5 केजी, सो सेम स्ट्रिंग है यहां से लेके यहां तक 5 केजी, करना क्या हमको वही है, फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, कैसे करेंगे देखते हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से करना, तो पहले एफबीडी बनाएंगे, यहां पे ये 50 न्यूटन डाउनवर्ड्स, टेंशन टी अपवर्ड्स, यहां पे देखे तो 100 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा एन, टेंशन टी सेम टेंशन होगा, सेम स्ट्रिंग है टी, दूसरा स्टेप मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम मान लेते ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, या हो सकता है ये नीचे जाए ये ऊपर जाए, तो ऐसे मान लेते बेटा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है ए, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, भाई ऐसा नहीं कर सकते कि ये नीचे जा रहा और ये भी नीचे जा रहा, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जबकि रस्सी टूट जाए, तो रस्सी टूट नहीं रही है ये ध्यान रखना, या आप ऐसा सोचो कि ये भी ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रस्सी उस केस में ढीली हो जाएगी, स्लैक कर जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो सोच हम ऐसा सकते हैं ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, या ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, कोई भी एक केस ले उससे एक्सेलरेशन निकलेगा बेटा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो दूसरा निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब क्या हुआ डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे तो हम लगा लेंगे, इसमें लगाने के लिए हमको इस 100 न्यूटन को रिजॉल्व करना होगा, तो एक कंपोनेंट यहां बनेगा और एक कंपोनेंट यहां बनेगा, अब ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो इधर 100 cos 30 यानी 50 √3,
और इधर 100 साइन 30 यानी 15 न्यूटन, ये हो गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं बेटा, तो पहले इस पे लगाते हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस पे लगा तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू 10A। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 0 इज इक्वल टू 15A। एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, 0। अब टेंशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन यहां 0 पुट कर दो या यहां 0 पुट कर दो, टेंशन इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ये हो गया। वहां से देखें इस मेथड से कैसे हो गई, तो ए इज इक्वल टू, अब देखो इसमें करंट बेटा जो बड़ा वाला फोर्स होगा वो एफ टू और छोटा वाला फोर्स एफ वन, लेकिन यहां पे तो दोनों सेम फोर्स है तो किसी को भी एफ वन एफ टू ले सकते हो। तो इसको अगर हम एफ टू ले रहे हैं, इसको एफ वन, तो एफ टू माइनस एफ वन, 50 माइनस 50 अपॉन एम वन प्लस एम टू, क्या आया भाई एक्सेलरेशन 0। इतना एफबीडी बना, इतना किया तब जाके एक्सेलरेशन 0 है, यहां से डायरेक्ट एक्सेलरेशन 0 मिल रहा बेटा। ये ध्यान रखना एफ वन एफ टू क्या, टेंशन के अगेंस्ट फोर्स भाई, ये ध्यान रखना टेंशन के अगेंस्ट, तो टेंशन के अगेंस्ट 50 न्यूटन है। टेंशन क्या होगा, तो एम वन एफ टू, एम वन 5, एफ टू 50, यही हो गया ना यार, एम वन एफ टू प्लस एम टू एफ वन 500 अपॉन एम वन प्लस एम टू, सॉल्व कर लो बेटा, ये आ गया 750 अपॉन 15, तो 750 अपॉन 15 करोगे तो क्या आ गया 50 न्यूटन, सो वही आंसर आ गया। तो बड़ा शॉर्टकट मेथड है बेटा ये, बस जानकारी होनी चाहिए कैसे इसको अप्लाई करना, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ एक एप्लीकेशन हम दिखा रहे ताकि आप इसको अप्लाई करना सीखो, और अप्लाई करना सीखोगे तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं इसके एप्लीकेशन से। अगर आपको कभी लगे कि सर इसमें तो नहीं हो पा रहा है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, आप हमको भेजिए, हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। हमारा जो ईमेल आईडी है बेटा वो आप नोट कर लो, up.sing261@gmail, या फिर हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हो 9958589037, या फिर एक ईमेल आईडी और है tamingphysics@gmail.com। कहीं पे भी आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, सारे स्मॉल लेटर में, ये ध्यान रखना ये सारा कुछ स्मॉल लेटर में, यहां कहीं कोई टेमिंग फिजिक्स में स्पेस नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते भाई, एक और क्वेश्चन कर रहे इस पे, जहां पे दो इंक्लाइन प्लेन है,
तो वहां पे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे लगाएंगे, और जो हमने ट्रिक बताया वहां से हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से दो इंक्लाइन प्लेन हम ले रहे बेटा, और यहां पे पुली लगा दिया। थर्टी सेवन डिग्री या इसको 53 डिग्री ले देते हैं, 53 डिग्री 30 डिग्री। ये पुली है, दो ब्लॉक कनेक्टेड है, मासेज ले ले यहां पे 5 केजी, यहां पे 15 केजी। प्रॉब्लम वही है, हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से करें, पहले बीडी बनाना होगा, ये 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन N1 टेंशन T, यहां पे जाए तो 150 न्यूटन टेंशन T सेम रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन N2। सेकेंड स्टेप आ गया, मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमको लग रहा है यार ये वाला भारी तो ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे ले लेते, वैसे अपोजिट भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये हो गया एक्सेलरेशन ए। थर्ड स्टेप रिजॉल्व द फोर्सेस। तो यहां पे एमजी को रिजॉल्व करेंगे, एक ये एमजी कॉस 53 और ये हो जाएगा एमजी साइन 53। तो कॉस 53 क्या होता है भाई, 3/5, यानी ये 30 न्यूटन और ये साइन 53 4/5 यानी 40 न्यूटन। और यहां पे देखें तो 30 डिग्री, तो एमजी कॉस 30 यानी 150 का कॉस 30 √3/2 यानी 75 √3। और यहां पे 75 न्यूटन, ये हो गया बेटा एफबीडी। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए, तो इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट जो फोर्स है नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5a। इक्वेशन नंबर 1। यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 75 माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट टेंशन टी इज इक्वल टू 15a। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन ऐड कर दे बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 35 इज इक्वल टू 20a, यानी हमारा जो a है वो कितना हो गया, a इज इक्वल टू 35/20। तो 5 से डिवाइड कर दे, 5 7 5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा। टेंशन कितना होगा, कहीं एक जगह पुट कर दे, जैसे इसी पुट कर दे, तो ये हो गया टी माइनस 40 इज इक्वल टू 5 इंटू, ये कितना हो गया बेटा 7/4। तो T इज इक्वल टू 40 प्लस ये हो गया 35/4, सो T इज इक्वल टू 195/4।
ये हमारा टेंशन हो गया इतना न्यूटन और ये एक्सेलरेशन हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से हम करके दिखाते बेटा कि यही आंसर आता है कि नहीं। तो ए इज इक्वल टू F1 F2 टेंशन के अगेंस्ट होना चाहिए, तो देखो ये टेंशन के अगेंस्ट, यहां पे ये टेंशन के अगेंस्ट, जो बड़ा फोर्स वो F2, तो 75, जो छोटा होगा वो F1, तो ये 40 अपॉन M1 प्लस M2, सो इट इज 5 प्लस 15, सो कितना हो गया 35 बाई 20, ये यही 35 बाई 20 आया ना बेटा, तो वो 7 बाई 4 हो गया, वही आंसर आ गया 7 बाई 4 जो यहां आ रहा था। टेंशन निकालते तो T इज इक्वल टू M1 F2, ये F2 है तो ये M2 होगा, M1 ये हो गया, M1 F2 यानी 5 इंटू 75, 5 इंटू 75 प्लस M2 15 F1 40, 15 इंटू 40 अपॉन M1 प्लस M2 कितना हो गया बेटा 20 हो गया, M1 प्लस M2 कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे, 5 से डिवाइड करें तो यहां बचेगा 75 प्लस यहां बचेगा 3 इंटू 40 120 अपॉन ये कितना हुआ 5 से डिवाइड किया तो 4, तो कितना हो गया 195 अपॉन 4, ये देखो यही आ गया। तो ये एक लेंदी मेथड बेटा, यहां से हम शॉर्टकट से इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं और ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि दो ब्लॉक है, दो से ज्यादा ब्लॉक है बेटा तब भी अप्लाई किया जा सकता है, बहुत बहुत डिटेल में इसका एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपरली सीख गए तो आप लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब हम दिखा रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि जैसे कई एक ब्लॉक है तो हम टाइम कैसे बचाएंगे बेटा इस मेथड को अप्लाई करके। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप अपने से सॉल्व करेगा, हम इस मेथड से करके दिखाएंगे कि भाई कितने स्टेप में उसको किया जा सकता है। न्यूटन सेकेंड लॉ आप अपने से अप्लाई करके देखिएगा बेटा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एक पुली है, यहां पे ये इस तरीके से बेटा 2 kg 1 kg 3 kg 4 kg ये है स्ट्रिंग 1, ये है स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 यहां से लेके यहां तक बेटा स्ट्रिंग 2, एक ही स्ट्रिंग है पुली से पास कर, और ये स्ट्रिंग 3। क्वेश्चन ये फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द 3 स्ट्रिंग्स। हर ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन सेम होगा, तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या और टेंशन इन द 3 स्ट्रिंग्स। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको हम यहां पे दिखा रहे हैं, देखो ऐसे हमने इस फिगर को ड्रॉ कर दिया, बेसिकली इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, तो इसको एक सिस्टम हम ले सकते हैं। तो ये हो गया 3 kg,
और इसका इसका एक्सेलरेशन सेम होगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसको एक सिस्टम ले सकते हैं 7 kg। ठीक है भाई, अब इस पे फोर्स देखो तो यहां 30 लग रहा और इस पे क्या लग रहा 40। यहां टेंशन टी ऊपर, यहां टेंशन टी ऊपर, जो फोर्स बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव लेंगे, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटे वाले को निगेटिव अपॉन टोटल मास 3 + 7 1 m/s², ये एक्सेलरेशन हो गया। वैसे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे, 4 FBD बनाना होगा, 4 N/s लगाओगे, ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, तब ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर इसका एक्सेलरेशन ही होगा। अब टेंशन क्या क्या है वो देखते हैं, तो टेंशन ये T2 तो यही फिगर में दिख रहा है, यही T2 है ना, तो ये T2 डायरेक्ट हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो T2 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, T2 इज इक्वल टू, तो ये M1 है, ये M2 है, क्योंकि ये F2 है ना, तो M1 F2 120, M1 F2 120 प्लस M2 F1 कितना हो गया 210 अपॉन M1 प्लस M2 कितना हो गया 3 + 7 तो 10 हो जाएगा बेटा, 1 0 कट जाएगा, तो ये हो गया 33 N। 33 N आंसर हम लिख दे रहे हैं आपको, आप न्यूटन सेकेंड लॉ से देखना, एक्सेलरेशन हमारा आया है 1 m/s² और टेंशन T2 इज इक्वल टू 33 N। अब T1 कैसे निकाले भाई, तो T1 निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसी इतने पे, इसी पे T1 यहां पे आएगा ना, तो इसको एक सिस्टम ले लें, तो टेंशन T1 ऊपर लग रहा और 20 नीचे लग रहा और इसका एक्सेलरेशन तो पता चल गया 1 ऊपर है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट जो है नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो T1 कितना आ गया 22 N। ये हो गया भाई T1 22 N। T3 निकालने के लिए इसको एक सिस्टम ले लें, तो इसका एक्सेलरेशन 1 डाउनवर्ड्स है, टेंशन T3 ऊपर होगा, यहां दिखा देते हैं भाई, T3 क्या होगा ऊपर होगा और 40 N क्या होगा नीचे होगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट T3 नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T3 कितना हो गया बेटा 36 N। ये आ गया T3 सब 36 N। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड ये सेकेंड लेक्चर था, इसके पहले वाला भी लेक्चर न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma पे था, ये भी है। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कई एक लेक्चर्स न्यूटन सेकेंड लॉ के आएंगे बेटा, तो हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पहले इनर्शियल
और नॉन इनर्शियल फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ का कैसे एप्लीकेशन होता है. सो टिल देन यू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज.